आपके एक वीडियो में बताया था कि पहले आप मोटे हुआ करते थे, फिर एक एग्जाम्पल दिया था कि चूइंग फूड 32 टाइम्स वन बाइट, तो उससे ही काफी डिफरेंस है और आप अच्छा फील करने लगे। तो क्या वो चूइंग 32 टाइम्स उससे बॉडी वेट गेन होता है? उससे बॉडी वेट गेन नहीं होता है, आप ये कह सकते हैं ना, तो गेन होता है ना लूज होता है। उससे बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। यानी कि क्या, जब हम प्रॉपरली च्यू करते हैं, अब हमको गिन करके च्यू नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गिनना शुरू कर दिया, खा रहे हैं और मन में गिन रहे हैं 1 2 3 4 वट एवर, वो बड़ा फनी हो जाएगा। आप किसी के साथ में हो, कहीं पे डिनर कर रहे हो, तो अगर कोई आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो तो छोड़ के भाग जाएगा, भाग जाएगी, वट एवर, वो कहेंगे पागल है ये पता नहीं क्या करता रहता है, क्या करती रहती है, वट एवर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको धीरे खाना है, प्रॉपरली पहले जुगाली करनी है मुंह में, जैसे गाय भैंसों को आपने देखा होगा, वो जुगाली करती हैं काफी देर तक, फिर खाती हैं। यू शुड गिव टाइम टू योर मील, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप काम कर रहे हो, कर क्यों रहे हो, खाने पीने के लिए और जिंदा रहने के लिए। जिंदा कैसे रहोगे, खाने पीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। कोई भी जानवर हो, इंसान हो, काम क्यों कर रहा है, अगर उससे पूछो भाई क्यों, व्हाई आर यू वर्किंग, तो वो कहेंगे अच्छा खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो खाने पे ढंग से टाइम स्पेंड करना तो बनता है ना, कि मतलब जब आप खा रहे हैं तो आराम से खाने पर मेडिटेशन करिए। जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, आग बंद करके और मानो बैठे हुए हैं और कुछ भी अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, उल्टी सीधी लाइटें देख रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, व्हाटएवर, इससे बेटर ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो ध्यान से करो। दैट इज रियल मेडिटेशन। कि आप दिन में 3 बार खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो आराम आराम से धीरे धीरे खाइए, धीरे धीरे च्यू करके, और पूरी अटेंशन उस खाने की तरफ होनी चाहिए। उस वक्त कोई मोबाइल ऑपरेट नहीं करना है, उस वक्त किसी से बात नहीं करनी है, पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए। और जब आप इस तरीके से करते हैं तो ये आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है। अब डाइजेशन से क्या होता है, आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हर बीमारी की जड़ जो है वो पेट है। आज धीरे धीरे जो एलोपैथी है वो भी यही बात कह रही है कि ब्रेन में जो केमिकल्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मान लो किसी को डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो वो किस वजह से, प्रॉपरली सेरोटोनिन नहीं मिल रहा है ब्रेन को, तो वो सेरोटोनिन जो प्रोड्यूस होता है, मेजोरिटी ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन द गट, यानी स्टमक। योर स्टमक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि अगर जो आप खा रहे हैं वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, जो आपका डाइजेशन है, अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो आपकी आपके जो बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर सकते, अपना ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर सकती। तो जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था ना, एनर्जी नहीं रहती है, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हम क्या करते हैं, हम कुछ भी जंक फूड उठाया और खाया और निगल लिया उसको, जैसे कि कोई अजगर है, उसने निगल लिया है, तो अब वो पेट में जा करके इकट्ठा हो गया है और फिर हमको आलसी फील हो रहा है, मतलब यार फीलिंग लेजी। तो बेसिकली खाने को जो डाइजेस्ट करने का काम है वो पेट में नहीं होता है, वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। यानी जिस वक्त आप चबा रहे हैं ना खाने को, तो उस वक्त जो भी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स जरूरी हैं, जो भी केमिकल्स जरूरी है, जो सलाइवा जरूरी है, वो मुंह में ही डाइजेस्ट हो चुका है आधा, तो बाकी आधा काम पेट में होगा। पूरा काम आपने पेट को दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब डाइजेशन 50% इज इन योर माउथ एंड 50% इज इन योर स्टमक।